एसआरके नाम तो आपने जरूर सुना होगा, मगर हरियाणा में एसआरके का मतलब आजकल कुछ और ही है। हरियाणा के लिए एसआरके हैं कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति एसआरके के इस तिकड़ी और बड़े और छोटे हुड्डा के बीच घूमती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इनके बीच ये उठापटक क्या कांग्रेस को भारी पड़ जाएगा? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला हाल कहीं कांग्रेस का ना हो जाए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी फिर तेज हो गई है। इस बार जिला स्तर पर कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर अंदरूनी गतिरोध और खींचतान फिर खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, आज जो है सारे पर्यवेक्षक रिपोर्ट देंगे प्रभारी जी को, उसके बाद वो आंकलन करेंगे और जिला प्रधान बनाने की बात कर लें। इस महीने में जिला प्रधान बनने की पूरी आशा बन जाएगी। क्या सर, इसमें दो तरह की रिपोर्ट है, ऑब्जर्वर है, कुछ स्टेट ऑब्जर्वर है, दो अलग अलग रिपोर्ट दी जा रही है जिले से, कैसा ऐसा कुछ? सबको बुलाया, हमने ऑब्जर्वर दो तीन दिन है सबको बुलाया, उन्होंने सबसे बात करेंगे। उधर हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर तेज होती कवायद के बीच मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने एनडीटीवी से कहा, हरियाणा में जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट मेरे पास आई है, मैं रिपोर्ट को 15 से 17 सितंबर के बीच एआईसीसी को सौंप दूंगा। जिला स्तर पर कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति एआईसीसी के स्तर पर की जाती है। 9 साल से कांग्रेस का कोई संगठन अभी हरियाणा में काम नहीं कर रहा है और इसकी वजह से 2 चुनाव विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है और बार बार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का एकजुट ना होना है, कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान है। और एक बार फिर इस बार जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर एक कवायद चल रही है तो उस दौरान भी जो ये गुटबाजी है एसआरके खेमा जिसमें कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी और दूसरी तरफ जो भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं और इनके बीच में अभी भी कोई समन्वय नहीं बन पाया है। सूत्रों के मुताबिक जिला अध्यक्षों के अपॉइंटमेंट के लिए नियुक्त कुछ पर्यवेक्षकों ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी को अपनी रिपोर्ट लिखित में नहीं दी है क्योंकि गुटबाजी की वजह से वो खुलकर अपनी बात कहने से बचना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक इसी हफ्ते हरियाणा में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर राज्य प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के साथ बैठक हो सकती है जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर कांग्रेस को बाप बेटे की पार्टी बनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद हरियाणा कांग्रेस के सभी खेमों के साथ एक बैठक कर सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान पर कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने एनडीटीवी से बातचीत में दावा किया, लोकतांत्रिक दलों में इस तरह के मनमुटाव होते हैं। जिला स्तर पर कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी और बूथ स्तर तक कांग्रेस संगठन खड़ा किया जाएगा। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये भी कहा जाता है गुटबाजी बहुत ज़्यादा रही हरियाणा कांग्रेस में और पिछली बार कुछ नेता ये मानते हैं कि हम चुनाव जीतते जीतते कांग्रेस रह गई गुटबाजी की वजह से, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी गुटबाजी हरियाणा को? हमको ऐसा लगता है कि जैसा आपने शुरू में भी कहा आपको कि थोड़े बहुत बलमुटाव का मतलब ये हरगिज नहीं कि मतभेद है, वो थोड़ा बहुत जो भी है जहाँ तक के मन का भेद नहीं है मैं ये कह सकता हूँ। मतभेद थोड़ा बहुत अगर हो भी सकता है क्योंकि हमारा संगठन लोकतांत्रिक है, लेकिन मन का भेद नहीं है। हम चुनाव में कोशिश करेंगे और हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो इन सब चीज़ों को तय करेगी। हरियाणा कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक हरियाणा में कांग्रेस संगठन का ढांचा तैयार कर लिया जाएगा और हर जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी संभव है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। गुटबाजी, अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक उठापटक की वजह से पिछले 9 साल से हरियाणा में कांग्रेस संगठन खड़ा नहीं हो पाया है। अब अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक कवायद तेज हो रही है।